हमारे आलोक विषय चल रहा है श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद रूप गोस्वामी पाद, जो कि राधा रानी के नित्य सहचरी सखी, तो पंचविधा सखी सखी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी प्राण सखी नित्य सखी। एक तो सखी है साधारण कृष्ण स्नेहादि का, कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं, और एक समस्त स्नेहा राधा रानी में भी प्रेम है कृष्ण में भी प्रेम है, दोनों समान बराबर है। यह है प्रिय सखी और प्रिय नर्म सखी। राधा रानी में भी प्रेम तो है, कृष्ण में भी प्रेम है, और लेकिन रहते हैं राधा रानी के साथ, जब पक्ष लेते हैं, जब दोनों में जब तर्क वितर्क होता है या कोई मान लीला होती है तो राधा रानी के पक्ष लेते हैं, साथ रहते हैं, ये राधा रानी के साथ रहती हैं। ये प्रधान है ललिता विषय का चित्र इंदुल का चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी अष्ट सखी। यह है प्रिय नर्म सखी प्रधान सखा भी ऐसे है पंचविधा सखा, और है प्राण सखी। प्राण सखी है राधा स्नेहादि का, राधा रानी से ही प्रेम रखते हैं अंतरंगा, और ये हर समय राधा रानी के साथ रहते हैं, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। ये उम्र में भी छोटी है, ललिता आदि सखी से छोटी है, लेकिन ये नित्य सिद्ध है, नित्य परिकर है। एक तो परिकर है नित्य परिकर, और एक साधक अवस्था में साधन करके जो वो नित्य स्वरूप प्राप्त करते हैं राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है सहचरी स्वरूप प्राप्त करते हैं वो है नित्य सहचरी नित्य सखी। लेकिन ये प्राण सखी, ये प्राण सखी जो है ये राधा रानी के साथ रहती है प्राण जैसे, राधा रानी सर्वस्व है। ये अष्ट प्रधान सखी है रूप मंजरी रति मंजरी विलास मंजरी कस्तूरी मंजरी मंजलाली मंजरी रस मंजरी गुण मंजरी। एक अष्टविधा जो मंजरी है प्रधाना महाप्रभु तो राधा कृष्ण मिलित तनु दोनों मिल करके एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में कलियुग में आविर्भूत हुए हैं, तो समस्त पार्षदों को साथ लेके आए हैं। तो ये जो अष्टविधा जो मंजरी है ये हमारे अष्ट गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ लोकनाथ गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी आते हैं लोक कल्याण के लिए लोक शिक्षा के लिए। एक तो स्वयं महाप्रभु के साथ आकर के वो आनंद लीला में पार्ट लेकर के आनंद वर्धन करते हैं, तत्से जगत जीव को शिक्षा देने के लिए आचरण करके और उस नित्य लीला रस जो वो कौन प्रचार कर सकते हैं, कौन जगत को दे सकते हैं, जिसके अंदर वो वस्तु है वो तो दे सकते हैं ना, जो देखा ही नहीं जानता ही नहीं वो क्या देंगे। शब्द के द्वारा वाणी के द्वारा कभी कल्याण थोड़ी होता है। तो ये नित्य पार्षद वो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, करके आए हैं यहाँ लोक कल्याण के लिए जनहित के लिए, और वो प्रेम अहोहित की कृपा करके जगत जीव को वो महाप्रभु के साथ आकर के वो प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, है ना। एक तो महाप्रभु के साथ रह करके वो लीला रस आस्वादन करना महाप्रभु के लीला रस, तत्सहित जगत जीव को वो प्रेम रस आस्वादन के लिए कुछ कृपा संचार करके जगत जीव को वो प्रेम रस आस्वादन कराने के लिए कृपा वर्षण करते हैं, इसलिए आए हैं सब। तत्सहित
शिक्षा, वैराग्य शिक्षा साधन आदि किस तरह से की जाती है, ये तो नहीं शिक्षा देने से हम कैसे जानेंगे। जो किस स्थिति में कैसे साधन करके, कैसे वैराग्य अवलंबन करके फिर जाके ऊपरी मृत आस्वादन करने में समर्थ होते हैं, ये शिक्षा देते हैं। हम लोग तो भोग वृत्ति है, देवदैविक वस्तु पदार्थ में आसक्त हैं, मान अभिमान दंभ पूजा प्रतिष्ठा इसमें लिप्त हैं, और चाहते हैं दिव्य लोक के प्रेम, हैं भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त, अच्छा खाना पीना रहना, हैं रुपया पैसा दान दौलत, हैं स्त्री कुटुंब परिवार के सुख समृद्धि, तत्सहित थोड़ा सा माला करके हम लोग चाहते हैं वो दिव्य प्रेम, राधारणी को अप्राकृत प्रेम आस्वादन करना चाहते हैं। ये स्वप्नवत अलीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो किस तरह से कैसे साधन करके, कौन सा अवस्था प्राप्त करके, तब जाकर के वो प्रेम आस्वादन करने में समर्थ हो सकती हैं, ये शिक्षा देने के लिए आए हैं रूप सनातन आदि। जो भिखारी है भजन कर रहे हैं लेकिन गरीब घर के हैं, गरीब, खाने का है नहीं, पहनने का है नहीं, भाई कुछ है नहीं, खाने का पीना है नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, शिक्षा नहीं, क्या करेंगे? चलो भाई वृंदावन में जाए, बाबा जी हो जाए, भजन भी करेंगे, खाना पीना भी मिल जाएगा। ऐसे बैरागी होने से थोड़ी वो प्रेम प्राप्त कर सकता है। जो कुछ देखा ही नहीं वो क्या त्याग करेंगे, हैं? जो कभी भोग्य पदार्थ प्राप्त हुए ही नहीं वो क्या त्याग करेंगे, हैं? अरे जो उस वस्तु देख के आए हैं पर्याप्त परिमाण, जो भोग्य पदार्थ सामने है, सब है, समस्त सामग्री मौजूद है, हर तरह से संपन्न है, वो अगर सब कुछ त्याग करके एकांत तो वास करते हैं, तीव्र वैराग्य लेकर के भगवत भजन में तत्पर रहते हैं, तो तब ना जाकर के उसको त्यागी कहते हैं, है ना? कुछ देखा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, क्या करेंगे? चलो भाई साधु बन जाए हम जैसे, है ना? लेकिन देखो राजमंत्री सनातन गोस्वामी थे, हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, और रूप गोस्वामी थे राजस्व मंत्री, राजा महाराजा करके, रघुनाथ दास गोस्वामी थे राजा महाराजा, उस समय के 12 लाख रुपया साल में इनकम, माने महीना में 1 लाख रुपया, तत्कालीन 800-500 साल पहले 1 लाख रुपये का वैल्यूएशन वर्तमान समय में कितना हो सकता है, उसमें 1 रुपया में संसार गुजारा हो जाता था। हम ही लोग जो बचपन में थे हमारे याद है 1 रुपया में 2.5 किलो चावल लाते थे बाजार से, हमारे समय ज्यादा दिन नहीं है, बचपन में 1 रुपया में 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो, 120 रुपया था सोने का, 10 ग्राम सोने का दाम, हमारे बहन की जब शादी हुई है तो 120 रुपया था 10 ग्राम सोना, ये तो हमारे सामने की बात है। तो उस समय के रुपया का वैल्यूएशन कितना था, 12 लाख रुपया, माने अरब रुपया महीने में इनकम। कुबेर समईश्वर जो अप्सरा सम भार्या, सुख समृद्धि के समस्त वस्तु विद्यमान, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा, इतने वैराग सब छोड़ छाड़ के जगन्नाथपुरी में आ गए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राजमंत्री, सनातन मंत्री पद छोड़ करके वैराग लेकर आए हैं रूप गोस्वामी, मंत्री पद छोड़ करके। इस संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, इसलिए
पुनरावृत्ति का कोई आवश्यकता है नहीं, अस्त्र आगे बढ़ेंगे। कैसे वैराग्य रूप सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के वैराग कैसे बोले, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, कभी चानाचर बन कभी उपवास, छेड़ा कथा नेरा माथा, मुख कृष्ण गुण गाथा, परिधाने चेरा बहिर्वास, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস, অচিন্ত আগাম্য, চিন্তা বিকার নেই পাতে। কবু কাঁদে কবু কাঁদে কবু হাসে, কবু প্রেমানন্দে ভাসে, কবু ভিক্ষা কবু উপবাস, মানে কবু রোতে হ্যাঁ কবি হাসতে হ্যাঁ, যমুনা কিনার কিনার চলতে হ্যাঁ, ঘর নেই কুছ নেই, এক এক বৃক্ষ তলে এক এক রাত্রি বাস, এক এক বৃক্ষকে নিচে রাত্রি বাস করতে, জঙ্গল যমুনা কিনার সে লেকার মথুরা তক জঙ্গলে জঙ্গল থা, আবি তো পুরা শহর হো গিয়া, পহচান মে আতা নেই যে ইহা জঙ্গল থা, এক এক বৃক্ষ তলে এক এক রাত্রি বাস, কবু চানা চর্বন চানা মিল গিয়া, কবু উপবাস। ছেড়া কথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণ গাথা, পরিধানে ছেড়া বহির্বাস, কান্থা কাপড়া যে ফটা পুরানা কাপড়া রাস্তে মে পড়া রহতা হ্যাঁ, উসকো লে করকে সংগ্রহ করকে সিলাই করকে ও হ্যায় ওড়নে কা ঠান্ডি মৌসম মে, হামলোগ কম্বল ওড়তে হ্যাঁ, রেজাই ওড়তে হ্যাঁ না, এসে ইসকো কথা কহতে হ্যায় ইসকো, छोटे छोटे टुकड़ा कथा होता है, एक सा कपड़ा एक साथ करके मोटा कर देते हैं, फिर सिलाई करके गुदरी हो गया, कथा कहते हैं उसको बंगाल में, छेरा कथा नैना माथा, मुख कृष्ण गुण गाथा, मुख में हर्ष में कृष्ण नाम, परिधानी छेरा बहिर्वास, कखनो बनेर साग अलबने करी पाक, मुखे देन दुई एक ग्रास, बनेर साग जंगल के घास पत्ता कहाँ मिले, कहाँ मिलेगा, और मिलेगा तो कौन जाता है, अब भजन करेंगे ना खाने के पीछे दौड़ेंगे, अभी का जैसे थोड़ी है, जो भंडारा हो गया बस चलो भंडारा खूब भंडारा खाओ, ऐसे थोड़ी है, भिक्षा कौन करता है, भिक्षा करने का भी समय नहीं, जद्रिश चला संतुष्ट दंधाति विमश्चरो सिद्ध सिद्ध कृत्य न निबद्धति, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कौन जैसे मिल जाए उसी में संतोष, जद्रिच्छलाभ संतुष्ट दंधातीता, हर्ष विषाद मान अपमान शीतोष्ण सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इसमें समचित्त समन भाव कर लेते हैं, ये नियम है, ये प्रकृति के नियम है, प्राणी मात्र ही शरीरधारी प्राणी मात्र ही सबके लिए ये दंध कर सामना करना पड़ता है, हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, शीत है तो उष्ण है, लाभ है तो हानि है, तो ये दंद ये सहिष्णु होना चाहिए, सहन करना चाहिए, संसारी लोग सहन नहीं कर पाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन साधु इसमें विचलित नहीं होते हैं, ये प्रभु की कृपा ये जान करके शांत रहते हैं, दंद आती तो विमत्सर कोई मत्सरता नहीं, सिद्ध सिद्ध कृत्य अपि न निबद्धते, सिद्धि हुई या नहीं कोई की काम, हम लोग जो काम करते हैं उसको उद्देश्य रहता है ना, जिसको हमको ये काम होना चाहिए, होता है तो खुशी हो जाती है और नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं, सिद्धि हुई या नहीं हुई उस फर्क नहीं, प्रभु का काम, प्रभु हमारे द्वारा ये कर्म करा लिया है, तुम जानो, तुम कोई होने से भी उनका आनंद नहीं, नहीं होने से भी कष्ट नहीं, वस्तु समागम में रिष्ट नहीं, वस्तु नष्ट होने से भी कष्ट नहीं, लेना ना देना मगर रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ये फॉर्मूला, यह है भजन राज्य में भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए फॉर्मूला, ये मेला चल रहा है दुनिया का, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, जैसे मेले में हम चलते ना मेला देखने के लिए, हजारों लोग कितना खुश हो रहा है देख रहे हैं, रंग बिरंगे तमाशा हो रहा है, लेकिन हम अकेला चल रहे हैं मेले में, ऐसा ही ये संसार है, दुनिया का रंग तमाशा
ये माया कृत ये संसार इस तरह से खेल रहे हैं, इसमें खा रहे हैं, खो रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो जानते हैं ये ना किसी से लेना ना देना, मगन रहना, ये भावना होने से तो जगह भजन हो सकता है। कखनो बनेर साग गलबन करी पाक मुखे दिन दुई एक ग्रास। कभी जंगल का साग है ना, पत्ता पुत्ता ऐसे भी पत्ता बहुत है जो खाने लायक है, जो हम लोग है ना जंगल में बहुत सारे घास है, वस्तु है जो कि खाने लायक है, जैसे बथुआ है रास्ते में, तो क्या करेंगे, खाना तो है तो पेट में देना है, और वो हानिकारक भी नहीं है, ऐसा नहीं जो खाने से शरीर नष्ट हो जाता है, पुष्टि भी है, उसमें ग्रीन सब्जी वस्तु है ना बहुत पुष्टिकारक है, उसको पानी में जो मना का पानी में एक चपटा उपटा मिल जाता है ना, कहीं टूटा फूटा चपटा उसी में लेकर के कांडा जला करके गर्म करके पानी दे करके अलबने अलबन माने नमक कहाँ पाएंगे, नमक भी नहीं है, नमक भी नहीं है, उसको पाते हैं बने साग अलबने कोरी पाक मुखे दे कैसे बैराग राज ऐश्वर्य जो परित्याग कर गए। हमने क्या त्यागा, तुम्हारा था क्या तुम त्याग करोगे, तुम्हारा था ही नहीं, भिखारी का घर के है, खाने का नहीं, पीने का नहीं, पैसा नहीं, धन नहीं, कौड़ी नहीं, घर में प्यान नहीं, बाहर में मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, चलो साधु हो गया। अरे तुमने देखा ही नहीं क्या त्याग किया तुमने, पहले ऐसे ऐश्वर्य में रहो, अभी भी आ जाए हम साधु बन के भी अगर ऐसे ऐश्वर्य आ जाए ना, भूल जाएंगे सब, भगवान को भूल जाएंगे, उसी में आनंद लेंगे, है ना। अरे है त्याग, देखो तो त्याग माने निष्प्रियता, त्याग माने जंगल में जाने से त्यागी नहीं होता है, त्याग माने निष्प्रिय हो, एक भगवत चरण सान्निध्य, भगवत प्रेम, भगवत अनुशीलन छोड़ करके कोई भी दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, लेना ना देना मगन रहना, यह है त्याग, ये त्याग होना चाहिए, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे जंगल में रहो, गृहस्थ में रह करके भी आप एक महान त्यागी, परम भगवत, परम भक्त, परम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। ये नहीं मत सोचिए जब हम गृहस्थी हैं, हमारे हम तो ऐसा है, हमारे तरह संभव तो है नहीं, बस पहले ही अपने आप को अब वंचित मान करके एक बहाना बना करके भोग के तरफ जा रहे हैं, बहाना, हम त्यागने के लिए तैयार नहीं यार, बहाना बनाते हैं, ये हमसे होगा नहीं, यार होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, मन से त्याग दो, मन से त्यागी त्याग, तो जो है वस्तु त्याग करके आया राजेश्वर जो, तो कहा जाएगा हाँ ये है त्यागी, इसे त्यागी, घर में खाना नहीं पीना नहीं, आ गया बाबा जी हो गया, रुपया जब आ गया ऐश्वर्य आ गया तब भूल गया, तब सब बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े हकार, ये भी है जो सामर्थ्य है वो करते हैं, वो जगत कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए, ऐसे नहीं बड़े बड़े सामर्थ्य महापुरुष भी ऐसे किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साधारणतः हम जैसे असामर्थ्य कोमल श्रद्धालु जो साधक हैं उनके लिए कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है, धन और जो ऐश्वर्य संपत्ति मान प्रतिष्ठा आदि ये विपत्ति का कारण बन जाता है, इसमें अगर लिप्त हो गया तो मान लो भजन जीवन चौपट हो जाएगा। तो रूप गोस्वामीपाद राजस्व मंत्री थे, आ गए वृंदावन, सनातन गोस्वामी आए नहीं, उनके लिए 12,000 स्वर्ण मुद्रा रखे मोदी के एक बेनिया के पास, जो हमारे भैया अगर जरूरत होगा उनको दे देना, काम में लगाएंगे, भैया को बोल दिया भैया हम जा रहे हैं, तुम ये अगर जरूरत पड़े तो तुम ये 12,000 स्वर्ण मुद्रा ये लेकर के तुम काम में लगाना, कहीं रिश्वत पुष्पत कुछ भी देना है, कुछ भी करना है। सनातन गोस्वामी को तो बंदी करके रख दिया हुसैन शाह ने, वो भागने के लिए तैयार हो गया, सनातन गोस्वामी को कहते हैं राजा, हुसैन शाह कहते हैं
जो तुम्हारा भाई हमारा सब चौपट कर दिया है, है? तुम्हारा छोटा भाई ऐसे धोखा दे करके वो भी भाग गया। और सनातन गोस्वामी को कहते हैं तुम भी ऐसे ही धोखाबाजी ऐसे दिखा रहे हो हमको, ऐसे जो बैरागी हो जाएंगे, ऐसे करेंगे हम नहीं करेंगे, आपकी चाकरी नहीं करेंगे, किसी को रख लेना, तुम भी हमारा काम चौपट करना चाहते हो तो बंद कर दो उसको जेल में। जेल में बंद कर दिया इधर जेलर को। जेलर जो था उसको बोले भाई तेरे को मैं बहुत पैसा दूंगा, तू हमको छोड़ दे। तो जेलर देखता है भाई ये तो राजा हमको सूली में चढ़ा देंगे अगर जम जाएंगे। तो बोलते कुछ चिंता नहीं करना, बरसात का मौसम है, बोलना सोच में गया वहाँ जमुना में गिर गया और वहां से बह के कहाँ चला गया, और हम तो इस देश में रहेंगे नहीं, एकदम दरवेश बन करके मक्का चले जाएंगे, चिंता नहीं करना, दरवेश बन के मक्का चले जाएंगे, इस देश में ही रहेंगे नहीं। तो ऐसा उधर तो रूप गोस्वामी चले गए महाप्रभु के पास, वहाँ प्रयाग क्षेत्र में उनके सान्निध्य में 10 दिन रहे। महाप्रभु ने उनको बहुत सारे उपदेश किए, रस तत्व, प्रेम तत्व, रस शास्त्र, इस विषय में तत्व विषय में उनको प्रभु तो ज्ञान प्रदान किए, शक्ति संचार किए, जाओ तुम लुप्त तीर्थ उद्धार करो और ये सब रस शास्त्र तुम प्रणयन करो। जगत जीव के लिए लोग जानते नहीं है ये प्रेम क्या है, ये प्रेम रस क्या है, ये भगवत प्रेम क्या है, इत्यादि संबंध में तुम ग्रंथ प्रणयन करो। तो वो तो वृंदावन चले गए भैया, इधर चिंता है जी सनातन गोस्वामी भैया तो हमारे आए नहीं अभी तक, उस समय तो टेलीफोन नहीं था, खबर मिलता कहाँ से, खबर मिलता ही नहीं, चंचल हो गया भाई चलो तेरा खबर लो, भैया क्यों नहीं आ रहा, इतना दिन हो गया, जमुना के किनार किनार चले हैं, ढूंढते ढूंढते भैया आएंगे तो रास्ते से मिलेंगे, और भैया गए हैं रास्पास से, उधर से छुटकारा पा करके सीधा इधर से मिलन नहीं हुआ नहीं। रूप गोस्वामी गए हैं जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु का सान्निध्य में कुछ दिन रहे, फिर महाप्रभु उनको बोले आप बहुत दिन हो गया, तुम जाओ लुप्त तीर्थ उद्धार शास्त्र प्रण आदि इत्यादि कार्य करो, हमारे जो निर्दिष्ट कार्य और जिस कर्म के लिए तुम आए हो हमारे साथ उस कर्म को संपादन करो। तो रूप गोस्वामी बड़ी दुखी होकर चले आए वृंदावन, भैया मिले नहीं, अब भैया फिर इधर आके वृंदावन से फिर ढूंढते ढूंढते चले गए जगन्नाथपुरी, जो भैया से अगर मिल जाए तो रास्ते में, वहां जाके महाप्रभु के सान्निध्य में कुछ दिन रह करके फिर वृंदावन आ गए सनातन गोस्वामी। आने के बाद फिर मिलन हुआ, बड़े प्रसन्न बड़े आनंद दोहाई, बड़े आनंद से भजन कर रहे हैं। उसके बाद अनुपम वल्लभ जो उनके छोटे भाई, जो क्या नाम, रूप सनातन और अनुपम वल्लभ उनके बेटा, उनके पुत्र है, भ्रातुष पुत्र है, वो भी आ गए, जीव गोस्वामी भी आ गए काशी में, वहाँ अध्ययन करके अद्वैत बात संबंध में ग्रंथ आदि सब शास्त्र अध्ययन करके परिपक्व दर्जा प्राप्त करके आए हैं वृंदावन में। इधर रूप गोस्वामी पाद जंगल जंगल विचरण करते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके इस तरह से बड़ी कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, आतात्सहित ग्रंथ प्रणयन करते हैं, बहुत सारे रस शास्त्र, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जल नीलमणि, ये सब शास्त्र प्रणयन के अवसर, बहुत सारे दान के लिए कौमुदी आदि बहुत ग्रंथ प्रणयन किए हैं। तो आप चिंता कर रहे हैं जो भाई ठाकुर जी जो वज्रनाभ हो जो विग्रह स्थापना किए, वो विग्रह कहाँ, वो विग्रह वृंदावन में था वो कहाँ गया, चिंता कर रहे हैं मन में। तो इतना में एक दिन ठाकुर जी सप्तादेश करते हैं, जो हम गुमा टीला नामक एक टीला है उसके नीचे मैं दबा हुआ हूँ, मुसलमान के अत्याचार के डर से बहुत पहले, असल मुसलमान मुगल साम्राज्य में आए, एक एक मुसलमान आए ना, और हिंदू मंदिर आदि तोड़ फोड़ करके तस नस करके क्या क्या किया है, अत्याचार किया है, तो हमको ये दबा दिए हैं
गुमा टेला के नीचे तुम आके हमको उद्धार करो। बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन गुमा टीला कहाँ है, कहाँ पर है, हम कैसे जानेंगे। तो सुबह आके एक बच्चा बड़े सुंदर दिखने में कहते हैं, बाबा बाबा जानते हो वहाँ एक गुमा टीला है, वहाँ ना एक गाय आकर के दूध देती है रोज सुबह सुबह, हम देखते हैं जी वो झर 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 करके एक बड़ी सुंदर गाय आती है और वहाँ दूध ऑटोमेटिक झड़ जाती एक जगह। ऐसे बाबा क्या बात है। तो मन में संदेह हुआ शायद वही जगह होगा, तो बोलते हैं चलो एक दिन हम भी देखेंगे, दिखते हैं जो वहां पर ऐसे दूध दे रही है एक गाय। तो रात को शयन किए तो ठाकुर जी आदेश किए, जब मैं ही हूं वहां तुम गांववासी को लेकर के हमको उद्धार करो। और वो बच्चा गायब, बच्चा का कोई खबर नहीं, कौन जो हमको ले आया यहाँ वो बच्चा, बोले हम मेही के ब्रजवासी हैं लेकिन खबर नहीं, समझ गए जो ठाकुर जी हैं। फिर जा करके सब ग्रामवासी बुला करके उसको मिट्टी खोद करके वहाँ अभी जो गोविंद जी जो जयपुर में गोविंद जी है वो गोविंद देव वो बज्रनाभ की बनाई हुई, बज्रनाभ माने कृष्ण के प्रपुत्र, ये विग्रह प्रतिष्ठा किया है। फिर जा करके उसको उद्धार करके सब मथुरा से बड़े बड़े सेठ आए हैं आकर के खूब भंडरा भंडरा कर रहे हैं, तो उसको ऐसे ही छोटा सा मंदिर में स्थापना किया है। इतने में कि वो अकबर बादशाह के मंत्री जो है जो मान सिंह वो एक दिन आए रूप गोस्वामी बात का नाम सुन करके, जो ऐसे बड़े भजनानंदी ऐसे दिव्य एक साधु संत रहते हैं वृंदावन में, चलो भाई अकबर बादशाह भी बड़े हिंदू धर्म के प्रति बड़ी प्रेमी थे, हिंदू धर्म को बहुत मानते थे, बहुत श्रद्धा करते थे। एक मुगल साम्राज्य में एकमात्र अकबर बादशाह ही थे जो हिंदू धर्म को बहुत मानते थे और सहयोग किए बहुत। अकबर बादशाह भी बहुत साधु संत के पास गए हैं, रूप गोस्वामी को भी एक बार बुलाए हैं, आगरा फोर्ट में ले गए थे एक बार ऐसे। तो मानसिंह आए, मानसिंह आके देखते हैं तो ये तो मंदिर तो है नहीं, इसका बड़ी अच्छी मंदिर होनी चाहिए। तो आगरा फोर्ट में जो लाल पत्थर पत्थर का किला बनाएंगे, बहुत पत्थर इकट्ठा हुआ। तो मानसिंह ने अकबर बादशाह कहे जी ऐसे हमारे एक मंदिर है वो मंदिर बनाएंगे, आप पत्थर दो, ये पत्थर अच्छा है, हमको बहुत सारे पत्थर चाहिए। तो अकबर बादशाह खुशी से कहते अच्छा अच्छा, मानसिंह के प्रति बहुत प्रेम था, पत्थर दे दिया। पत्थर लगे वह गिराया, बहुत पत्थर ला करके गिराया, मंदिर बनाएंगे। तो ब्रजवासी देखते ही पत्थर का एक पहाड़ हो गया, तो उसी से उस जगह का नाम हो गया पत्थरपुरा। पत्थरपुरा माने पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थरपुरा इतना पत्थर लाल पत्थर। तो मानसिंह के तत्वावधान में ये सुंदर मंदिर स्थापना किए हैं रूप गोस्वामी पाक, जो अभी भी भग्नावशेष औरंगजेब जब आए हैं वो सात मंजिला था, सात मंजिल के ऊपर एक प्रदीप था दिया, घी के प्रदीप, एक मन घी के प्रदीप जलता था। तो एक दिन क्या हुआ, औरंगजेब देख रहे हैं भाई उत्तर दिशा में एक प्रदीप नक्षत्र जैसे जलता है, भाई ऐसे स्थान पर तो नक्षत्र किसी ने कभी देखा नहीं। तो बोला है आपने पार्षदों को, भाई ये जो दिखता है रोशनी नक्षत्र जैसे, ये है क्या बताओ। तो एक दिन कहते हैं जनाब ये तो हिंदू के एक मंदिर के ऊपर ये दिया जलती है, इतना बड़ा हिम्मत, यहां से दिखाई देगा, तोड़ो मंदिर को, तोड़ो मंदिर आज ही तोड़ो। और बहुत सारी सेना भेज दिया सात मंजिला तोड़ने के लिए, विशाल मंदिर। और वो मंदिर बड़े अद्भुत, कोई जॉइंट नहीं है, बैलेंस के ऊपर ऐसा मंदिर सारा भारत में देखने में आता नहीं है। आप लोग अब जाएंगे ना देखेंगे पूरा मंदिर पूरा बैलेंस, ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर ऐसा करके पूरा बैलेंस के ऊपर एक मंदिर, इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाए हैं।
जे एक ऐतिहासिक निदर्शन शिल्पकला स्थापत्य शिल्पकला का एक विशेष निदर्शन औरंगजेब कमान तोप लेकर के वहाँ सेना को भेज दिया, जाओ तोड़ो उसको। तो वहाँ था एक हनुमान जी, हनुमान जी ऐसे गर्जना किए, ऐसे गर्जना किए जो उतना जो जो आए थे लड़ाई करने के लिए और तोड़ने के लिए सब मनमूत्र त्याग दिया डर के मारे, और 3 मंजिला तोड़ दिया, 4 मंजिला तोड़ करके डर के मारे भाग गया, 2 मंजिला रह गया। वही वही भग्नावशेष अभी अब रंग जी में जाएंगे तो वहाँ अवश्य दर्शन कीजिए, ये गोविंद जी है। ये तो पीछे की बात है, रूप गोस्वामी का समय नहीं। तो यहाँ भजन करते हैं, आप देखते हैं ये खबर चला गया महाप्रभु के पास जे ऐसे गोविंद जी प्रकट हुए हैं, तो महाप्रभु के एक भक्त उनको आदेश किए हैं तुम जाओ जाके सेवा कार्य में सहयोगिता करो। सेवा कार्य में सहयोग करने के लिए महाप्रभु पुजारी रूप में उनको भेजे हैं। अब राधा रानी है नहीं, एक गोविंद का सेवा भाई कैसे होगी भाई, जुगल तो होनी चाहिए, हमारे जुगल उपासना है। तो उस समय ऐसे ही जैसे साक्षी गोपाल चले गए थे साक्षी देने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर, ऐसा ही एक बार राधा रानी वो कैसे वो चले गए वहाँ जगन्नाथपुरी, उधर क्या जगह नाम है, वहाँ जाके विराजमाना हो गई। विराजमाना हो गई तो राधा रानी स्वप्ना देश किया है जो देखो वो लक्ष्मी रूप में पूजित होती थी, वहाँ लक्ष्मी रूप में सब कोई जानते थे ये महालक्ष्मी है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराना प्रसिद्धि। राधा रानी ने स्वप्न आदेश किए जो मैं तो ऐसे राधा रानी हूँ, तुम लोग हमको यहाँ से वृंदावन में गोविंद देव जी के वहाँ पहुँचा दो। तो राजा प्रताप रुद्र था उस समय उड़ीसा के नवाब, जो नवाब कहते हैं राजा, उनके पुत्र जो थे वो उसको भेज दिए थे तुम जा करके राधा रानी को पहुँचाओ। तो प्रताप रुद्र के पुत्र वो आ करके दे गए हैं वो राधा, वर्तमान जो राधा रानी हमारे भीतर में फोटो है, राधा कृष्ण है ना, गोविंद जी और वही राधा रानी, राधा रानी को पहुंचा दिया। तब से जुगल किशोर में पूजित होते हैं। आप देखते हैं भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, भजन तो करना पड़ेगा, और भजन करने के लिए भाई आश्रम मठ मंदिर में रह करके एकांत भजन ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है कृपा होती है अच्छा है, ये भी अच्छा है, यानी मंदिर आदि सेवा आदि, लेकिन अगर चरम प्राप्ति करनी है तुमको तो तुमको एकांत में जाना ही पड़ेगा। जो एकांत में भजन नहीं करते हैं, जो ज्यादा लोक संपर्क में रहते हैं, वो कभी वो भाव राज्य में अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है, ये सत्य है। इसलिए एकांतता भजन अगर करनी है, कुछ अनुभव प्राप्त करना है, कुछ तुमको प्राप्ति करनी है, तो तुमको एकांतता अवश्य जरूरत है, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। वही अगर तुम ऑप्शन ढूंढोगे ना, इसका कोई नो ऑप्शन। जोगी जुन चित सतत आत्मनंग रहस्य स्थित एकाकी जत चित्त आत्म निराशी परिग्रह, गीता में कहते हैं जोगी माने जो भजन करेंगे, जुन जित सतत आत्मनंग रहस्य स्थित, मन को लगाने के लिए रहस्य, रहस्य माने एकांत, एकांत स्थान में रहेंगे। एकांत माने एकांत शब्द का माने क्या है, एका अंत माने तुम हो और कोई नहीं है, इसको कहते हैं एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, कोई कोई एकांत शब्द को माने कर लेते हैं जंगल, जंगल में जाकर के भी वहां प्रपंच फैल जाता है, वहां सब आ रहे हैं आ रहे हैं, खूब चल रहे हैं, घोटा सानी हो रहा है, गाड़ी आ रही है, चिलूम चल रहा है, खूब एकांतता थोड़ी है वो, तो और अच्छा बढ़िया प्रपंच है। तो एकांतता का नाम में वहां तो प्रपंच खोल बैठता हम जैसे, है ना, ऐसे एकांत घर में भी एकांत हो सकता है, चालाकी से काम लेना पड़ेगा। अपना घर में तुम अपने रूम ले लो,
फिक्स टाइम, इस समय तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी के संपर्क में नहीं जाओगे, मोबाइल को फेंक देना। मोबाइल है सबसे बड़ा जंजाल, मोबाइल एक ऐसे जहर है, साधक जान नहीं पाता है जो कौन सा जहर हम यूज कर रहे हैं। जिस मन को भगवत चरण में हम लगाएंगे, क्या दुनिया से मन को हटा करके भगवत चरण में एकांत स्थान में जाकर के निश्चल होकर तल्लीनता तन्मयता प्राप्त करेंगे, और वो जहर लेके हम बैठे हैं भजन कर रहे हैं, क्रिंग 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 को कहे हेलो लो, तुम वहां मन लगा रहे हो कहां, और हेलो चला गया कहां, बंबई। आप देखो भगवत चरण से हटाकर तुम मन को तुम बंबई ले जा रहे हो, उनसे संपर्क स्थापन कर रहे हो, फिर राख करके बैठ रहे हो, फिर आया कोई कहीं कर रहे हैं हेलो, वही है दिल्ली से बरेली से खबर आया। ऐसा भजन, ये ढोंगढांग का भी भजन होता है, ये मोबाइल है सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ वर्तमान समय जरूरी है, मोबाइल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पटक के रख दो, पर्टिकुलर समय जाके देखो जो मिस कॉल कौन सा है, कौन सा तुमको अटेंड करना है, हो गया। और मान लो तुमको करना है बहुत जरूरी, अपना फिक्स्ड समय उस समय जाकर के तुम उसको फोन करो, ये बात ही बात जरूरी है, अच्छा है, कभी कभी अच्छा काम भी होता है, इस तरह से इसको व्यवहार करना पड़ेगा। एकदम स्विच ऑफ करो, अगर भजन करना चाहते हो एकदम स्विच ऑफ करो, चाहे कोई मर जाए प्रलय हो जाए कोई बात नहीं, कोई सुनना है नहीं, कोई सुनना ही है नहीं। बांकुड़ा जिले में बहुत साल पहले एक राजा थे, जब जब सब राज शासन जब था, एक नायक तंत्र ब्रिटिश शासन के पहले एक नायक तंत्र, उसमें वो राजा बहुत धार्मिक थे, सबको कह दिया हम जब भजन करेंगे खबरदार हमको टोकना नहीं, कहीं कुछ हो जाए प्रलय हो जाए कोई मर जाए हमको टोकना नहीं, और जो टोकेगा उसको सूली पे चढ़ा देंगे। राजा बड़ा भजन आनंदी है, बगल की एक राजा उनसे दुश्मनी था, वो दिखते हैं इसको चढ़ाव करना है, और धिंगड़ा था, ताकत भी बहुत था, उनके ऊपर चढ़ाव करना उतना सहज नहीं था। एक ये भेज दिया जासूस, जो तुम जाए खबर लो राजा किस समय क्या करते हैं। वो आके कहते हैं महाराज वो ऐसे समय सूर्य प्रातः काल ऐसे समय वो किसी से बात नहीं करते, घुसने नहीं देते हैं, बस बोलते इसी समय चढ़ाव करो। तो भजन में बैठे हैं राजा, सबको मना कर दिया, कोई हमको टोकेगा नहीं, उधर चढ़ाव हो गया, चारों ओर से आ गया, सब शत्रु घेर लिया, किला घेर लिया, क्या करें राजा का मना है, फिर भी गए हैं दो चार कर्मचारी, महाराज महाराज महाराज, कोई आवाज नहीं, उधर तो घेराव कर लिया, घबरा रहे हैं सब, क्या होगा क्या होगा, अब तो मरना है, महाराज उठ नहीं रहे हैं, आवाज हो रहा हो सब हो रहा, मरने दो, मरना तो है ही है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, भगवान जब रखते हैं तो कौन मारता है, जब भगवान जब मारता है तो कौन रखता है। इतने ऊपर से तोप रखा था, तोप धा 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 तोप चल रहा, सब जितना सैन्य सेना था देखते भाई तोप कौन दाग रहा, बड़ा भयंकर लड़ाई चल रहा है, भयंकर लड़ाई। इतने में जो अटैक करने आए थे ना बाहरी राजा जो आए हैं, ओ हो करते करते डर के मारे सब भाग के चले गए, भाग के चले गए, और जितना ये राजा का जो जितना सेना था वो लोग भाई हम लोग तो कोई लड़ाई करने गए नहीं, तोप भी दागा लड़ाई भी हुआ, ये क्या बात है, और भाग भी गया सब दुश्मन। फिर महाराजा अपने भजन धन मंत्र शरण करने के बाद बाहर आए, ये घटना सुना रहे महाराज ऐसे 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 घटना हो गया, आप कुछ जानते नहीं है, बोलते नहीं हम तो कुछ जानते नहीं है,
तोप किसने दागा, तोप दागा तो किसी ने तो दागा। तो मंदिर में जाके देखते हैं ठाकुर जी का केस ऐसे ये हुआ है एकदम, यह कपड़ा जल गया, दुपट्टा जल गया, यहाँ काली लगा हुआ है, जैसे लड़ाई करके आया ठाकुर जी। ठाकुर जी स्वयं लड़ाई करके आए हैं। ये नहीं किंवदंती नहीं, हम जो कह रहे हैं किंवदंती नहीं, ये सत्य अभी भी वो बांकुड़ा जिले में वहाँ मदन मोहन है, मदन मोहन नाम विष्णु बांकुड़ा विष्णुपुरे ऐसे होता है। तो राकी कृष्ण मारे के ऐसे नहीं, भजन करते समय ये मोबाइल आदि और किसी से जो व्यवहार ये सब परित्याग करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तब जाके कुछ तो हो सकता है, नहीं तो भजन होना बड़ा मुश्किल है। छोटी छोटी बात पर विषय पर ध्यान दे करके आसन में बैठते हैं भजन करने के लिए और उधर मन खींच लेता है, ऐसे नहीं। तो एकांत तो आपको घर में ही होना पड़ेगा, घर में एक रूम ले लीजिए, दुनिया से मतलब एकदम, जब भजन करेंगे किससे मतलब नहीं, कोई मर जाए कोई प्रलय हो जाए हमसे लेना ना देना मगन रहना, ऐसा होने से तो एकांत वास हो सकता है, एकांत भजन हो सकता है। इसलिए वर्तमान समय अभी जंगल है नहीं, जंगल में जाके क्या करोगे, हूँ भी जंगल में भी अमंगल, बहुत सारे अमंगल है, कहाँ जाओगे जंगल। हम बहुत सारे जंगल घूम के आया है, हमने खुद जंगल नाम देख के आया है ना। रूप गोस्वामी देखते हैं तो भाई हमको इस तरह से भजन करना तो मुश्किल हो गया, एकांत जाना पड़ेगा। तो मुझे पुजारी भेजते हैं उनके ऊपर सब नष्ट करके, जो है हम कुछ दिन भजन करेंगे, ये मंदिर तुम संभालो, सेवा संभालो, हम चलते हैं, बोल करके रूप गोस्वामी पाद निकल गए। फिर छिड़ा कथा नैरामता मुख्य कृष्ण गुण गाथा, ऐसे एकमात्र नाम झोली लेकर के सीधा नंदगाम के पास टेर कदम में जा करके, वहाँ एकांत जंगल था, उधर एकांत जंगल टेर कदम जहाँ पर कृष्ण ने समस्त गाय लेकर के वो इकट्ठा करते थे, वहाँ से फिर जाते थे, टेर कदम कहते हो, वहाँ जा करके एक झोपड़ी बना करके वहाँ भजन करने लगे। कथा तो बहुत लंबा है, हम लोग फिर काल चलेंगे। देखिए ये सत्संग करना है, ऐसा नहीं हमको आज ही समाप्त करना है, कथा थोड़ा आस्वादन करना है ना, इसीलिए काल फिर हम लोग चलेंगे आगे क्या करते हैं कैसे लीला करते हैं। जय जय श्री राधे। आश्रम में रहते हैं हम लोग, आश्रम में एक रूम लेके इसी टाइम भजन करता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, गुरु भाई लोग बुलाए कोई सेवा के लिए, नहीं डिस्टर्ब नहीं करना, हम भजन करेंगे इसी टाइम, ऐसा भी होगा तो सेवा में तो अपराध हो जाएगा। आश्रम में देखो सेवा करोगे और एकांत वास भी करोगे, दोनों एक साथ होगा नहीं। सेवा के समय सेवा सेवा करो, इंद्रिय के द्वारा सेवा करो, मुख में नाम करते रहो, हाथ से सेवा करते रहो, मन में चिंतन करते रहो, तुम्हारा भजन भी होगा सेवा भी होगी, ये है उपाय। इंद्रिय के द्वारा सेवा करो, शरीर के द्वारा मुख में अखंड नाम रटते रहो, नाम छोड़ना नहीं, तुम्हारा ना मुंह बंद है क्यों, हम सेवा करते हैं तुम्हारा मुंह बंद क्यों है, हरे कृष्ण राम राम सेवा करो, खराब पोचा लगो, हरे कृष्ण उठीते बसीते खाईते सुईते जता तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है, ऐसे सहज उपाय बताए महाप्रभु, उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे जैसे ऐसे तैसे नाम करते हैं, उसे सब सिद्धि प्राप्ति होती है। सरल उपासना पद्धति कलि युग में भगवत नाम, नाम को रटते रहो, कैसे भी काम करते रहो, कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो, मन को रखो प्रभु के चरण में, जानो जो प्रभु का काम है, तुम्हारा काम समझोगे तो जाके बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, उलझ जाओगे, प्रभु को कर्ता बना दो तुम, दाल बन जाओ तो झमेला नहीं, तुम्हारा काम कर रहे तुम जानो, बस लेना ना देना मगन रहना, जय राधे, ये उपाय है, दूसरा कोई उपाय है नहीं, सरल उपाय, इससे सरल उपाय भैया है नहीं।
आप सोचोगे।